हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिंसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिंसा टेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 69 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69 शिक्षक भर्ती फोर्थ सूची जारी होने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने कर रही। बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि लगभग 2 से 3 साल से लगभग अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि 69 शिक्षक भर्ती का मामला पूरा तरह से निस्तारित हो जाए। वो चाहे आंसर की वाले अभ्यर्थी हो, चाहे वो आरक्षण वाले अभ्यर्थी हो, या फिर कोई अन्य अभ्यर्थी हो, ठीक है। लगातार यही प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से ये मामला जो है सारा मामला कोर्ट से बाहर निकल के सॉर्ट आउट हो जाए और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो इन अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ी सफलता आज हाथ लगी। कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और इन अभ्यर्थियों को जो 800 अभ्यर्थी उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने करके आ रही है। आज बहुत ही बड़ी सफलता इन लोगों को हाथ लगी है। बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों जैसे पता है आप लोगों को कि जो 13-56 मामला है जिसके अधीन आपकी जो सूची आई है, 13-56 के अधीन आई थी सूची, जो 800 सूची आई है उसका यहाँ पर जो केस स्टेटस अपडेट हो गया है और यहाँ पर जो आपकी सुनवाई है वो अब 13 तारीख यानी 13 सितंबर 2022 को यानी 13 तारीख को होने वाली है, जिसका अभ्यर्थी बहुत इंतजार कर रहे, बेसब्री से इंतजार कर रहे। क्योंकि यहाँ पर ये जो केस है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो आपकी जो लिस्ट आई है वो इसी के अधीन है और इसकी पिछले लगभग 2 से 3 सुनवाई हुई है यानी, ठीक है, लगभग 2 से 3 सुनवाई में यहाँ पर जो है या तो जज साहब नहीं आए या फिर जो है किसी अन्य कारण से आपकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर जो केस स्टेटस अपडेट हो गया है, यहाँ पर लिखा गया है रिट ए, ठीक है, 13-56-2020, काफ़ी पुराना मैटर है। यहाँ पर लिखा गया है केस स्टेटस फर्स्ट हेयरिंग डेट 8 अगस्त 2020, नेक्स्ट हेयरिंग डेट यहाँ पर लिखा 13 सितंबर 2022, केस इज लिस्टेड इन कोड नंबर 3, बेंच आई डी 3006, एट सीरियल नंबर 378, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है फॉर ऑर्डर स्टेज है, फॉर ऑर्डर कोरम हनीवल जस्टिस मिस्टर राजन राय सर की बेंच में आपका मैटर सुना जाएगा। ये आपका मैटर पहले भी सुन चुके हैं और इन्हीं के बेंच में 13 तारीख को आपका मैटर सुना जाएगा। 2022 में आपको 13 सितंबर को मैटर सुना जाएगा। तो दोस्तों जो अभ्यर्थी लगातार ये पूछ रहे थे कि 13-56 का क्या हुआ, 13-56 क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर जो अब उसका केस अपडेट हो गया और आपकी सुनवाई वो है वो 13 सितंबर को होने वाली है। ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी सुनवाई से यहाँ पर जो आपको नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो सुनवाई है अगर सरकार सही से पक्ष रख देती है, हम बार बार यही कहते हैं कि अगर सरकार अपना पक्ष सही से रख देती है तो दोस्तों 13 तारीख को ही आपका ऑर्डर रिजल्ट हो सकता है या फिर जो आपको जो है इस पर अंतिम राज भी मिल सकता है अगर सरकार अपना पद सही से रख देती है। मात्र इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो अभ्यर्थी चयनित हैं अचयनित है, ठीक है, और जो अभ्यर्थी पूर्व में सिलेक्टेड है सभी की तरफ से यहाँ पर जो है इसमें पक्ष रख दिया गया है। इसमें मात्र अब सुनवाई होने बाकी, लगभग 13 तारीख की सुनवाई में ही आपका ऑर्डर रिजल्ट होने की प्रबल संभावना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सरकार अपना पद सही से रख दे, सरकार का बार बार यही कहना है कि हम यहाँ पर जो अपना पद सही से रखेंगे, मात्र सुनवाई का जो है केस लग जाए यानी डेट लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पर डेट लग गई है, अब आपकी सुनवाई वो है वो 13 सितंबर को होगी और 13 सितंबर को ही इस केस की दशा दिशा से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, अब यहाँ पर जो है आपके लिए लगभग 4 से 5 दिन के अंदर आपका यहाँ पर केस सुनवाई होने वाली है और इस केस की सुनवाई से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नियुक्ति का रास्ता चाहे वो ये मैटर जो है सब कुछ सॉल्व कर देगा, वो चाहे 19,000 सीटों वाला मैटर हो, चाहे वो याची वाला मामला हो, या फिर जो है 1800 पूर्व में चयनित बनाम 1800 लिस्ट वाला मैटर हो, ये सारे मैटर क्लियर कर देगा। इसी के अधीन आपकी लिस्ट आई, इसलिए यहाँ पर ये जो केस है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं, आप लोगों की नियुक्ति है वो हर हाल में होगी, अवश्य होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये तो मान लिया, ठीक है। इसमें जज साहब ने कहा था कि यहाँ पर जो आपका ये मैटर आप इसमें सॉल्व कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो अब आपकी राजधानी सर की बेंच में आपको मैटर लग गया है, अब आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं 13 तारीख क्या होने वाला है, 13 तारीख को बहुत ही घमासान होगा, जैसा भी जो भी होगा आपको जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।